वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। टाटा ने अपनी प्रीमियम मिड साइज एसयूवी हैरियर को 2019 के शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया था और इस वक्त इस एसयूवी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था और इसने बहुत कम समय में 10,000 बुकिंग भी क्रॉस कर ली थी। पर जब से एमजी की हेक्टर और किया की सेल्टॉस आई है इसकी सेल्स फिगर्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अब टाटा 2020 में इसके बड़े भाई यानी कि इसके 7 सीटर ग्रेविटास को लॉन्च करने वाली है और उसी से रिलेटेड आज मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरे पास कुछ स्पाइड इमेजेस आई हैं जिनसे पता चल पा रहा है कि टाटा ग्रेविटास में आपको एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं ग्रेविटास को हैरियर से कंपेयर करूँ डायमेंशंस में तो ग्रेविटास 62 mm लॉन्गर होने वाली है और थर्ड रो में हेडरूम इंक्रीज करने के लिए ग्रेविटास की रूफ को भी थोड़ा बम्प अप किया गया है और साथ में इसमें आपको नए अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे। ओवरऑल विड्थ और व्हील बेस इस एसयूवी का हैरियर जितना ही होगा। रियर में आपको एलईडी लाइट्स मिलेंगी और इसमें BS6 कंप्लायंट 2 लीटर क्रायोटेक इंजन मिलेगा जो कि 176 PS की पीक पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। स्पाइड इमेजेस से ये भी पता चल पा रहा है कि इसमें आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा जो कि टाटा ह्यूंडई से सोर्स करेगी और साथ ही में इसमें आपको एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड भी मिलेगा। इंटीरियर्स में आपको सेम स्पेस मिलेगी चाहे वो फ्रंट सीट्स हो या फिर थर्ड रो स्पेस के ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक ये अच्छे से रिवील नहीं हो पाई है। और फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 8.8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक IRVM और सनरूफ भी मिल सकती है इसमें आपको। हालांकि सनरूफ पैनारोमिक नहीं होगी क्योंकि रियर में इसके हेडरूम बढ़ाने के चक्कर में इसकी रूफ में पैनारोमिक सनरूफ फिट नहीं की जा सकती। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो करंटली SUV हैरियर से महंगी हो सकती है 1 लाख रुपए क्योंकि काफ़ी अपडेट्स आएंगे, BS6 इंजन होएगा, फीचर्स भी अपडेट किए जाएंगे स्टैंडर्ड और इसका प्राइसिंग 14.5 लाख रुपए से शुरू होकर और करीब 17 लाख एक शोरूम तक जा सकता है। आखिर में इसके कंपटीशन की बात करूँ तो ये कम्पीट करेगी MG हेक्टर 6 सीटर, अपकमिंग महिंद्रा XUV500, वॉक्सवैगन T-Roc, स्कोडा करो और ह्यूंडई ट्यूसन के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।